What's up, guys? Welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. Are you doing good? Yeah. Aapka to theek hai, but is she doing good? All right. So, ladies and gents, boys and girls, Animal ka trailer finally aa gaya hai. Apne last time jo teaser dekha tha, I was excited kyunki uske upar se wo kya bolte hai apna action packed movie lag rahi thi. It was a very small teaser, but abhi jo aaya hai wo 3.5 minute ka hai. So we are gonna get to see a lot of stuff, probably some more action ke glimpse, kyunki your boy loves that. Aur I think all the boys, right? And I think also Bobby Deol's role, because last wale video mein to kuch samjha nahi tha, like why was he? No, but logo ne hum logo actually like samjha nahi tha. Where he was dressed. I mean, anyways, wo usme villain ka role kar raha hai, aisa sab log ne comment kiya tha. So yeah, we are reading your comments and thank you for the information. Okay, so we will get to see. Actually, it will be interesting to see Bobby Deol after so long. Last कौन सा movie देखा था मैंने? I think I saw Race. I distinctly remember Dostana. Movie yeah, not series. मैं movie की बात कर रहा हूँ. I think I only remember Dostana being his. What Dostana? Oh my God! So far back. अरे क्या? रेस अपुन ने एक साथ देखा है, बट आई डोंट रिमेम्बर इट. आई मीन छोड़ो, चलो एनीवेज अपुन देखते हैं व्हाट द ट्रेलर इज ऑल अबाउट. चलो लेट्स स्टार्ट. ओके पापा, लेट्स प्ले अ गेम. दिवाली के पटाखे. और आप बेटा, आपको याद है फिफ्थ स्टैंडर्ड में था और माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट हो रहा था. हम ही लुक्स लाइक संजय दत्त. संजय दत्त फ्रॉम द 90s. या एक्चुअली हेयरस्टाइल वैसी नहीं, वो एक्चुअली क्यों रहा पता है? क्योंकि उसने संजू की है ना, सो अपन ने उसको रोल में देखा हुआ. आई नो, बट लाइक, बट स्टिल लाइक थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी तो है. मेरे सारे दोस्त जा रहे थे पर मैं नहीं गया क्योंकि आपका बर्थडे था. उसी दिन को रिप्ले करते, कुछ नहीं करना आपको. आपको बस पापा पापा करना है और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा. ओके, शिद्दत से करना पापा, मेरा एक ही मौका है. ओके ब्रो, दैट इज सो स्कैरी. एक्शन पापा. पापा पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं. फकिंग हेल, आयो होली शिट. वो खाली चिल्ला रहे, वैसे मेरे को ऐसा रहा गूज बम्स जैसा यहां तक आ गए भाई साहब. यो रणबीर इज ऑन अनदर लेवल. ओ माय गॉड, आई वांट टू सी दिस अगेन. पापा पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं. He adores you. तो उसके लिए सुपर हीरो. दिन में 10 मिनट भी नहीं दे सकते अपने बेटे को. अब कटमा है. पापा को छोटे बाल वाला हेयर स्टाइल पसंद है ना? नाइस हेयर कट. पर तुम लंबे बालों में भी अच्छे लगते हो. आई ग्रोड अगेन पापा. जब तू वापस आया तो मैं कितना खुश था, पर तूने जंग शुरू कर दी. बताएगा मेरे पापा के लिए मेरा प्यार फेल है, पास है, या दुनिया में सबसे फर्स्ट है. Hey! मैंने बोला था ना ज्योति, क्रिमिनल है हमारा बेटा. No! No! Yeah! Oh my God! Choke me! I really wish you died that day. मैं वापस आ गया दादाजी, कहीं जाऊंगा. जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई, मैं वादा करता हूं अपने हाथ से गला काटूंगा उसका. ये सब प्लान करने से पहले मुझसे पूछा होता. अब से 100 चीजें करूंगा पापा, हर बार आपकी परमिशन नहीं दे सकता. मैं गोस से लड़ता नहीं, उन्हें खा जाता हूं. आज के बाद एक खरोच भी आई दुनिया चला दूंगा पापा. सब कुछ
सारी दुनिया जला देंगे। आया यो व्हाट लॉर्ड बॉबी विद द स्वैग। Oh my Holy God. Shit. This looks like something else. This, I mean, bhai ye to matlab yo dono isme end mein aisa diya hai na Lord Bobby ka scene bhai saab yo this like I have said it before also like Ranbir is an excellent actor isme to like I don't like that aggressive role is like कुछ अलग ही लग रहा है मेरे को लाइक पहले जो रणवीर के जो मूवीज रहते थे ना द चॉकलेट बॉय काइंड ऑफ मूवीज वो मेरे को पसंद नहीं थे क्योंकि मेरे को वो टाइप के मूवीज ही नहीं पसंद यू कैन से दैट मेरे को एक्शन पसंद है कॉमेडी पसंद है आई लव दैट सस्पेंस है लाइक सो अभी जब ये हो रहा है ना लाइक आई कैन एक्चुअली लाइक मैं तो हर बार कैसा होता था कि इट द कैरेक्टर दैट ही प्लेड ऑलवेज यूज टू फील कि उसके पहले वाले का ही कोई वेरिएंट वैसा ही कोई वेरिएंट है भले स्टोरी कितनी भी अच्छी हो बट नाउ आई थिंक दिस इज गोना बी लाइक समथिंग डिफरेंट फॉर हिम आई एब्सोल्युटली यू नो व्हाट हाँ मेरे को अभी क्लियरली याद आ गया मेरे को रणबीर पसंद आने लग गया था हिज एक्टिंग फ्रॉम संजू व्हाट ही डिड इन संजू व्हाट अबाउट रॉकस्टार आई मीन दैट वाज सच एन अमेजिंग मूवी मैंने नहीं देखा ओह माय गॉड मैंने रॉकस्टार नहीं देखा मेरे को इट्स लाइक वो म्यूजिक ये है ना म्यूजिकल है ना यार मेरे को म्यूजिकल नहीं पसंद यार मैं बोर हो जाता हूँ भाई इट्स नॉट लाइक अ म्यूजिकल म्यूजिकल बट देयर आर अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स बट तो उसको म्यूजिकल ही बोलते हैं अरे बट लाइक द स्टोरी इज बेस्ड ऑन दैट ओनली नो आई डू नॉट लाइक म्यूजिकल एट ऑल मतलब कैसे भाई स्टोरी थोड़ी जाते गाना थोड़ी आगे जाए गाना अरे नहीं भाई मेरे को स्टोरी और दिखाओ बार बार नहीं देख रहे का डांस एनीवेज दिस सीम्स टू बी एक क्या बोलते हैं मेरे को जैसे ट्रेलर अपन स्टार्टिंग से देख रहे थे ना इन द स्टार्ट मेरे को ऐसा लगा कि इट्स गोना बी लाइक अ चाइल्डहुड ट्रॉमा काइंड ऑफ मूवी काइंड ऑफ इज राइट इन अ वे बिकॉज लाइक ही इज यू कैन क्लियरली सी लाइक ही इज क्रेविंग हिज डैड्स अटेंशन एंड लव व्हिच ही इज प्रोबेबली नॉट गेटिंग एंड बट लाइक समथिंग हैपेंस एंड देन ही वॉन्ट्स टू टेक बदला फॉर वॉट एवर हैपन टू हिज डैड सो clearly like he loves his dad a lot yeah basically wo he's father not getting the same in return father son bond ke upar movie hai khali mera ek hi ye hai ki usko na zyada wo angle mein ghusana nahi chahiye kyunki sometimes what happen ki movie badhiya rehti hai but then usme jo dusra angle jo story ke liye jo rehta hai basically usme emotional itna ghus jata na ki wo main angle pe se focus hat jata hai I don't think utna hoga kyunki the whole idea of this movie seems to be around taking revenge for his dad and also like Anil Kapoor amazing actor bhai what Ranbir amazing actor how is he playing dad matlab I think Anil Kapoor ka na dad ka role karne ke liye specially baal white karte rahenge like ulta hai yahan pe I know he is looking so good here and ha ek aur cheez mere ko like I couldn't understand Bobby Deol ka character kyunki first wale teaser mein it looked like क्या बोलते हैं लाइक यू नो एक भड़का हुआ काइंड ऑफ नहीं नॉट भड़का हुआ तभी तो भड़का हुआ नहीं था तभी चिल था बट हु लाइक यू नो हु गिव्स अ फक काइंड ऑफ कैरेक्टर फर्स्ट वाले में और अभी जब भी उसका फर्स्ट ग्लिम्स इज लाइक क्राइंग विद ब्लड सो मेरे को वो एक्चुअली समझ नहीं कि मतलब विलन को भी उतने इमोशंस दिए गए हैं विच इज गुड यूजुअली अपने विलन की उतनी बैक स्टोरी और दिखाती नहीं जाती अपने मूवीज में इज जस्ट कि कुछ तो हुआ है बस बट आई थिंक या दिस मूवी इज गोना डू वेरी वेल It is when is it coming out? 1st December. अपुन है? Like next week. अपुन नहीं है. We are there on 1st. 1st को हम लोग हैं. First day last show. But no, अपुन नहीं जा सकते. Yes, we have some plans for next weekend and the week after. 1st working है और फिर 2nd, 3rd we are going out with family. हम लोग अलीबाग जा रहे. ए full family के साथ मजा आने वाला है. Yeah, so अपुन थोड़ा late ही देखेंगे.
और उसके बाद में योर बॉय इज गोइंग टू गोवा मस्त में लंबा बाइक दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग हाउ हैव यू नॉट ब्रॉट अप दैट मैं मेरे को यार मैं आई बॉयज एंड गर्ल्स लास्ट वाले लॉन्ग राइड के बाद मुझे जरा शांति पीस ऑफ माइंड सब होगा मेरे को पीस ऑफ माइंड चाहिए नहीं क्योंकि मैं रोड पे रहूंगा पूरा वो 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 मेरे ओ मजा आने वाला है बॉयज एंड गर्ल्स डू चेक आउट आवर सेकंड चैनल 100% व्लॉग्स आएंगे आई नो थोड़ा मैं बोल रहा हूं काफी टाइम से बट आए नहीं है बट डेफिनेटली आएंगे मैं सब व्लॉग्स ए टू जेड ओके आई एम गोना पुट आउट मतलब आपके पास पूरा महीना देखने को 30 से एक वीडियो तो हो ही जाएंगे ना समबडी प्लीज लाइक मेक अ शॉर्ट लाइक अ रील और अ मीम और समथिंग अबाउट दिस कोई ये क्लिप करके रेडिट पे डालना मत आई विल डू 100% ओके ऑलराइट लेडीज एंड जेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स Thank you, Rich, for making us a part of your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like, and we'll see you guys in the next one.